एक घंटा हमारे पास है, वार्तालाप करना है या मीटिंग करना है? वार्तालाप करना है तो प्रश्न आ जा रहे हो तो प्रश्न पूछना, उनका जवाब मिले आज का प्रातः काल है 22 मई 1900 शिव भगवान वाज अपने टालीग्रामों के लिए, शिव भगवान वाज है तो जरूर शरीर होगा, क्योंकि शरीर होगा तो उपवास होगा, उपवास मैंने बोलना वाच के लिए मुख जरूर चाहिए, तो जरूर सुनने वाले को भी काम चाहिए, सुनने वाले हैं शालिग्राम रूपी आत्माएं, उनको भी अपना शरीर है और सुनाने वाले शिव भगवान को भी अपना शरीर तो नहीं है परंतु इस दुनिया में आकर के शरीर लेना पड़ता है, मुख जरूर चाहिए आपको। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, ईश्वरीय मत को राम मत कहा जाता है, क्यों ये क्यों नहीं कहा कि कृष्ण मत कहा जाता है? जैसे कि आखिरी चोले के द्वारा मुरली सुनाई, जैसे कि आखिरी जन्म के चोले के द्वारा मुरली सुनाई या राम वाली आत्मा के आखिरी जन्म के चोले से मुरली सुनाई है? मुरली किसके तन से सुनाई? वाली आत्मा उसकी अंतिम 84वें जन्म में उस तन में प्रवेश करके मुरली सुनाई, कृष्ण से कहा जाना चाहिए, राम मत क्यों कह दिया मुझे? अच्छा शिव मत कह देते, शिव मत भी नहीं कहा, वाच का सवाल है, वाच तो मुख से ही किया जाएगा, शिव को अपना मुख होता नहीं है, किसकी मत कही जाए? राम मत को नहीं कहना चाहिए, बाबा ने लिए राम मत क्यों कह दिया? इसलिए कह दिया कि कृष्ण वाली आत्मा के अंतिम 84वें जन्म के शरीर से मुख से बोला तो, लेकिन जो बोला हुआ है उसका रहस्य किसी की समझ में नहीं आया, क्यों क्यों नहीं आया? क्योंकि कृष्ण वाली आत्मा ने अपने अंतिम चोले में मुरली सुन तो ली कानों से, पहले पहले कानों से कौन सुनता है? ब्रह्मा की सुन, और दूसरों को सुनाई भी, जो सुना दूसरों को सुनाया भी, लेकिन उस पर अकल मत नहीं करी, अपनी मत है कोई टिप्पणी नहीं दे पाए, क्या राइट है क्या रंग है या नहीं है, कैसे होना चाहिए, इसका अर्थ क्या हुआ, गहराई में कभी उनकी बुद्धि गई नहीं, माने जो भी आया ज्ञान शिव से उस शिव के ज्ञान को उन्होंने आलोड़न नहीं किया, मनन चिंतन मंथन नहीं किया, वो ज्यादा मनन चिंतन मंथन करते थे कि मम्मा ज्यादा मनन चिंतन मंथन करते थे? मम्मा फिर भी मनन चिंतन मंथन करते थे, तो कृष्ण के द्वारा मत माने बुद्धि, मत माने अकल, बड़ाई नहीं, इसलिए कृष्ण की मत नहीं कही जा सकती, किसकी मत कही जाए?
वही मुरली राम वाली आत्मा के द्वारा जब आलोड़ित होती है और मंथन होती है तो उसमें से सार निकलता है, दूध है। दूध को मिलाएंगे, मंथन करेंगे तो क्या निकलेगा? मक्खन निकलेगा, रस निकलेगा, सार निकलेगा। इसलिए राम मत गाई हुई है, कृष्ण मत गाई हुई नहीं है। तो एक है राम मत, उसके मुकाबले फिर दूसरी है रावण मत। क्या राम मत के अपोजिट में रावण मत? क्यों राम मत के अपोजिट में कृष्ण मत कह देते, रावण मत क्यों कहा? ब्रह्मा को कारु करने वाली ब्रह्मा कुमारियां जो सुनाने लगी है वो भी तो अपोजिट है। तो उसे रावण मत कह देते, क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा कि रावण को तो कितने सिर होते हैं, अनेक सिर होते हैं, और ब्रह्मा के मुख से जो मुरली निकली वो तो एक ही मुरली है। दूसरे तरह की दो दो तरह की वाणियां तो उन्होंने चलाई नहीं। अच्छा गुलजार दादी की तरह प्रवेश करते हैं तो भी कोई महावाक्य ऐसा तो आया नहीं जो मुरली को पाटने वाला हो, आया कोई नहीं। मैंने मुरली तो उनके मुख से एक ही निकली, लेकिन उनके मुख से जो मुरली निकली है उस मुरली को दूसरे दूसरे लोगों ने 10 तरीके से उसकी व्याख्या करी। जो आया तो उसने अपनी अपनी अकल चला करके अपना आविष्कार कर लगा दिया, तो अलग अलग प्रकार की मतें हो जाती है। वो अलग अलग प्रकार की मतें ही रावण मत कही जाती, तो ईश्वरीय मत और आसुरी मत। ईश्वरीय मत आधा तंत्र और कौन सी बोल प्रतिबंध एक आधा तंत्र करती है ईश्वरीय मत। रावण की मत भी याद हसल चलती है और कौन सी युगों में द्वापर और कलयुग द्वैतवादी युगों में रावण की मत चलती है। अगर मंत्र मत कहे वो भी तो आखिर मत हो गई, क्यों मनुष्य मत को आखिर मत क्यों कहे? मन जो है चलाए माने और मन के आधार पर बनता है मनुष्य। जिसका मन चलाए मान है वो से कहा जाता है मनुष्य। भगवान के वह जब ऊपर से आते हैं तो कुछ जानवर में प्रवेश करते हैं, कीड़े मकोड़े में प्रवेश करते हैं, देवता में प्रवेश करते हैं या मनुष्य में प्रवेश करते हैं? मनुष्य तन में तो प्रवेश करते हैं, लेकिन तो मनुष्य को जब भगवान की मत मिलती है उसका नाम बदल जाता है। क्या नाम हो जाता है? राम वाली आत्मा का अंतिम जन्म की पुण्य का नाम क्या हो जाता है? शंकर। नाम शंकर हो जाता है ना, तो शंकर में शिव प्रवेश करता है और शंकर की तरह सवारी करता है। माने ब्रह्मा ने जो कुछ बोला तो ब्रह्मा की बोली हुई बात को अपनी बुद्धि से मन चिंतन मंथन करके अपने तरीके से उसके ऊपर कब्जा कर दिया। मुरली तो हमारी है, हमारी मुरली को वो क्यों सुनाता है? अरे मुरली तो भगवान की है, न हमारी है और न तुम्हारी है, लेकिन मुरली का रहस्य क्या है उस रहस्य को जानने की बात है ना। तो रहस्य को कोई झूठा आदमी होगा तो झूठे तरीके से बताएगा और सच्चा आदमी होगा तो सच्चे तरीके से बताएगा। तो दो मतें हो गई, आखिरी मत और ईश्वरी मत। जय भी मत हुई ईश्वरी मत, उनको राम संप्रदाय और इनको रावण संप्रदाय कहा जाता है। बाप जय भी मत लेकर के देवता बनाते हैं। आधा आधा तो है राम मत सचिव देवता, रावण मत द्वापर कलयुग। जन्म भी थोड़े होते हैं, कब? राम मत में जन्म थोड़े, कितने? 21 जन्म, और रावण मत में जन्म 63 जन्म हो जाते हैं।
योगियों के जन्म कब होते हैं? आयु लंबी होती है, और भोगियों के जन्म ज्यादा हो जाते हैं और आयु कम हो जाती है। तो उनकी है रावण, जन्म भी बहुत लेते हैं ना, क्योंकि भोगी लोग हैं इसलिए आयु भी कम होती है और संप्रदाय भी बहुत हो जाते हैं। है तो टोटल मिलकर के आखिरी संप्रदाय, लेकिन एक संप्रदाय के नहीं है, कितने संप्रदाय हो जाते हैं। इस्लामी संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, क्रिश्चियन संप्रदाय, हजार में जितनी दाड़ियां हैं दाई और बाई और फैली हुई, वो सारे ही अनेक प्रकार की मतें हो जाती है। बहुत दुखी होते हैं लड़ते लड़ते आपस में, राम मत वाले मिलते रावण मत से मिल जाते हैं। अरे रामत वाले थे सचिन सहिता में, वो द्वापर कलयुग में आकर के किससे मिल जाते हैं? रावण को मिल जाते हैं। सब मिल जाते हैं या कोई को ले जाते होंगे, आखिरी जन्म तक टक्कर लेते रहते होंगे। रामत वाले सभी मिल जाते हैं कि कोई कोई चक्कर लेते रहते हैं? शिवाजी महाराणा प्रताप जैसे कोई तो होते होंगे जो आखिरी जन्म तक भी चक्कर लेते रहते हैं। तो सारी दुनिया की रावण मत हो जाती है, क्यों? क्योंकि अंत में माया किसी को छोड़ती है, फिर बात आकर सभी को राम मत देती है। राम मतलब बाप ने आकर पहले पहले कब दी? अरे 68 में दी, 76 में दी या कब दी? नहीं दी, यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा के द्वारा ब्रह्मा बाबा को उनके साक्षातों का साक्षात्कार बताया, राम वाली आत्मा के द्वारा ही तो बताया ना, वो बताया। फिर बाप आकर अंत में सभी को राम मत देते, सचिव ने राम राम की मत ईश्वरीय मत कहा जाता है, लेकिन सच्य मत है ना उसको कहा जाता है, सब ईश्वरीय मत मिलने देश की स्थापना हो जाती है। हाँ दादा ईश्वर ही सत्य है ना, तो सत्य बाप आकर आई से कौन चीज की स्थापना करते हैं? सत्य की स्थापना, ईश्वरी मत मिलने की स्थापना तो स्वयं की हो जाती है आधा करने में, परंतु जब वो पूरी हो जाती है तो फिर रावण राज्य शुरू हो जाता है, उसको कहा जाता है आधा। तो अभी अपन से पूछ दो कि हम आधुनिक मत से क्या करते हैं और अभी हम ईश्वरी मत से क्या कर रहे हैं? क्या करते थे आखिरी मत से? हम भक्ति मार्ग के अंधश्रद्धा अंधविश्वास के काम करते हैं, अब ईश्वरी मत हमको मिलती है तो अंधश्रद्धा अंधविश्वास हमारा खत्म हो जाता है। आगे तो जैसे कि तुम वैश्यालय में थे रावण की मत पर चलने हैं, अर्थात नर्गवासी थे, अभी तुम एक बाप की मत पत्र में थे स्वर्गवासी बन गए, शिवालय भी जाते हो, शिवालय यादगार है, क्या यादगार है? शिवालय और वैश्यालय का फर्क क्या है? शिवालय में एक शिवलिंग बीच में रखा है, चारों तरफ सभी देवताएं बैठे हुए होते हैं और सब देवताएं किसकी पूजा चिरौरी करते हैं? एक दिन की, उसको कहा जाता है शिवालय, जहाँ एक दिन की पूजा करते हैं, एक दिन की मान्यता करते हैं, एक दिन को याद करते हैं। और वैश्याने किसको कहा जाता है? आलय माने घर, वैश्या का आलय, वैश्या का घर, वहाँ क्या होता है? जो भी आने वाले हैं उन सब की पूजा वैश्या को करनी है। तो कहाँ अनेकों की पूजा करना और कहाँ एक की पूजा करना, अंतर होता है, क्या अंतर होता है? वो है विभिचारी घर
और वो है आप भी क्या लिया है सचिनता को कहा जाता है दिवाली जिस नाम की स्थापना होती है तो जरूर उनका नाम भी होगा जिस नाम की स्थापना होती है एक है रावण राजी एक है राम राजी तो राम राजी की स्थापना किस नाम से होती है नाम किस आधार पर पड़ता है कोई काम किया होता है तो उसके आधार पर नाम पड़ता है तो जरूर राम ने जो स्थापना का कार्य किया नई दुनिया की इसलिए उसका नाम पड़ता है राम राजी एक मत जनती है बहन एक राजा होता है एक धर्म होता है एक मत होती है एक कुल होता है एक भाषा होती है राम मत कहा जाता है रचयिता राम बाप की तुमको ये बातें अभी समझाए कैसे समझाए रहे रचयिता राम बाप को कहे या शिव को कहे हाँ रचयिता राम बाप को कहा जाएगा क्यों क्योंकि साकार हो फिर चाहिए नई दुनिया क्या रचते हैं जो भी तुम समझते हो सारी रचना इस समय राम को बुलाती है ना ये पतित पावन आओ जब पतित पावन सब बोलते हैं तो किसका नाम लेते हैं पतित पावन सीताराम का नाम लेते हैं लिबरेटर रावण के राज्य से छुड़ाने वाले हे दुख से छुड़ाने वाले आ जाओ अभी तुम बच्चों को सुख का मालिक आ जाओ तभी उसको तुम समझते हो नहीं तो कहीं तो इस दुनिया को दुख भी नहीं समझते जैसे बाप नारी कुल है मनुष्य शक्ति का बीज रूप है तुम भी नारी कुल बनते हो क्या बीज में झाड़ की सारी नमी है जैसे मनुष्य शक्ति की झाड़ है इसका बीज कौन है राम वाली आत्मा मनुष्य शक्ति रूपी झाड़ का बीज है तो जरूर बीज ज्ञान का बीजारोपण भी कौन करे वही यज्ञ के आदमी राम वाली आत्मा के द्वारा ही ज्ञान का बीजारोपण होता है वही फिर संक्षेप करते ज्ञान का विस्तार भी करती है परंतु वो भी वो बीज होते हैं जड़ और ये बीज है चैतन्य कौन राम वाली आत्मा अगर वो जड़ बीज भी चैतन्य होता तो वो भी बताता तुम चैतन्य झाड़ के बीज हो इसलिए झाड़ को जानते हो बाप को कहा जाता है मनुष्य शक्ति का बीज कौन से बाप को आत्माओं के बाप को या मनुष्यों के बाप को जो मनुष्यों का बाप है उसको कहा जाता है मनुष्य शक्ति का बीज आनंद स्वरूप है ना कोई एक सच्चा भी है चैतन्य भी है जब तुम्हें बुद्धि नहीं बनती है और आनंद स्वरूप वो सत्य है और एक ही सत्य है उस एक ही यादगार में अंतिम जन्म की तक भी भक्ति मार्ग में किसकी कथा गाई जाती है सत्यनारायण की कथा गाई जाती है तो वो चैतन्य झाड़ है मनुष्य शक्ति का और ये जड़ झाड़ होते हैं इस झाड़ की उत्पत्ति पालना विनाश कैसे होता है ये कोई नहीं जानते ऐसे नहीं नया झाड़ स्थापन होता है नहीं वो कोई जानते नहीं है कि झाड़ कैसे पुराने से नया बनता है ऐसे भी नहीं है कि नया झाड़ स्थापन हो जाता है ये भी बाप ने समझाया है पुराने झाड़ वाले मुझे बुलाते हैं कि आकर के हमको रावण राजी से केंद्रित करो क्योंकि इस समय रावण राजी है बहुत सुख देता है मनुष्य को
होने से तो कोई भी डिटेल को नहीं जानते, न समझा सकते। मनुष्य तो नरचेता को जानते, नरचना को जानते, ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते। बात खुद आकर के बतला रहे हैं कि मैं एक ही बार आकर के सच्ची पर सर्व बनाता हूँ, बाधा नहीं बनाते। एक कल्प में एक ही बार आकर के दुनिया को सर्व बनाता हूँ, सर के बाद फिर नारक अपने आप बन जाते हैं। रावण के आने से बामार्ग में चले जाते हैं, बामार्ग माने काम उल्टा माने उल्टे रास्ते पर चले जाते हैं, उल्टे कर्म करने लग पड़ते हैं। जो कर्म नहीं करना चाहिए व्यभिचार के, वही व्यभिचारी कर्म करने लग पड़ते हैं। राम राज्य और रावण राज्य का अर्थ भी तुम समझते हो। राम राज्य क्या है? एक राजा का राज्य, रावण राज्य का अर्थ। आज एक मंत्री का राज्य चलता है कि अनेकों मंत्रियों का राज्य चलता है? अनेकों का राज्य चलता है। एक एक बात कहेगा, दूसरी बात कहेगा, एक एक नियम बनाएगा, दूसरा नियम आगा जो उसके पहले वाले नियम को पाट देगा। तो रावण राज्य का अर्थ भी तुम समझते हो। रावण राज्य है अपवित्र, इसलिए आयु भी कम होती है, और राम के राज्य में है पवित्रता, इसलिए वहाँ आयु भी बड़ी होती है। हेल्थ हैप्पीनेस सभी कुछ होता है। तुम यहाँ आए हो, बात के वर्षा में नहीं बोली, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा है, क्योंकि स्वर्ग में सब दुख होता है। तुम्हारे दिल में हम संकल्प संकल्पों पर यह पुरुषार्थ करके नाम ही देखो कैसा अच्छा है, और कोई युग को पुरुषोत्तम युग नहीं कर करेगी। क्यों? प्रतिष्ठा को पुरुषोत्तम युग नहीं है, क्यों? वहां पुरुषोत्तम राज्य नहीं करता है। हाँ, सवाल आत्मा पहले जन्म में राज्य करती है, उससे उत्तम कोई नहीं है क्या? सबसे को भी जन्म देने वाला भी तो कोई बात उसके उत्तम है या नहीं है? है? तो शक्ति को भी पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे, पुरुषोत्तम युग से प्रसन्न युग है। बाप को बुलाते भी हैं, सिद्धरण भी करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में तो बुलाते बुलाते सीधे नहीं किए करते, परंतु ये मालूम नहीं रहता है कि बाप कब आ रहे हैं और बाप कौन है। उपाध्य है वो बाप का, निर्वेट करो, माय गाइड बनता है। अब लिबरेटर बनेंगे तो जरूर आना तो पड़ेगा ना, फिर गाइड बनकर भी जाना पड़ेगा। बच्चों को बहुत दिनों से देखते हैं, अच्छे ही से बच्चों को देख करके बड़ा खुश होते हैं। अब कभी तो बच्चे एक जैसे नहीं, वो दुनिया में तो होते हैं हद के पास, तो भी हद का बात है। बाबा ने समझाया है कुछ क्रिएटर भी है, कौन संरचना रखता है, बच्चों की दिल पालना भी करता है, और कभी आत्मा रूपी बच्चों को पूर्ण जन्म देने नहीं पड़ता है। कोई बाप को 10 बच्चे होते हैं, कोई 12 बच्चे होते हैं, परंतु वो तो बाप हद का सुख देती है। उस सुख को हम कहेंगे काल का सुख, और ये बेहद का बाप तो बेहद का सुख देते हैं। इस बेहद के सुख को कोई कागविष्ठा समान सुख तो नहीं कहेंगे। हाँ, ये कहेंगे बाप आकर जो सुख देते हैं वो सुख भोगते भोगते रावण राज्य में आते आते तमोप्रधान बन जाए, बिल्कुल तमोप्रधान। 22-5 अर्थ की वाणी का मतलब तमोप्रधान में सुख बहुत थोड़ा होता है, क्या रजो प्रधान में फिर भी सुख होता है, सतो सामान्य में भी सुख होता है,
तत्व प्रधान में तो सुख होता ही है, लेकिन तमो प्रधान में सुख बहुत थोड़ा होता है। तमो प्रधान से तत्व प्रधान बनने की उसकी बात बहुत टेंशन लाती है। अपन को आत्मा समझ उस एक बाप को याद करो, कोई दूसरे को याद नहीं करो। बाप को ही आत्मा की आकार की पाया जाता है, समझते हैं गॉड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो जो चाहे तो कर सकते हैं, मरे हुए तो जिंदा भी कर सकते हैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? बाप आकर प्रकृति के नियमों को तोड़ेंगे? बाप तो रचयिता है, कुदरत को रचना है। एक बार कोई ने लिखा, अगर आप भगवान हैं तो मक्खी को जिंदा करके दिखाओ। ऐसे ऐसे ढेर पूछते हैं, इतने इज्जत लोग हैं। बाप समझाते हैं बंदर संप्रदाय है, तुमको तो बाप ताकत देते हैं, जिस ताकत से तुम रावण पर जीत पहनते हो, बंदर से भी तुम मंदिर नायक बन जाते हो। उन्होंने क्या क्या बना दिया। बाप का में तुम कभी सीताए हो, तुम कभी को रावण की गेंद से छुड़ाता हो, सभी रावण संप्रदाय है ना। रावण द्वारा तब तुमको सुख नहीं मिल सकता, इतना सभी रावण की जेल में है, राम की जेल में नहीं कहा जाता है। कहा जाता है क्या है? राम की जेल में क्यों नहीं कहा जाता? रावण की जेल में है इसलिए क्यों कहा जाता है? राम ने कभी किसी को बंधन में डाला ही नहीं। भारतीय परंपरा में शंकर जी तो खास कहते हैं, उनका नारा था स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। राम आते ही है रावण जी के, रावण पांच चीज वाला बनाते, उनको दस भुजाएं दिखाते। पांच चीज रावण के काम क्रोध अहंकार, फिर उनकी हो गई दो दो भुजाएं दस भुजाएं। रावण के पांच स्त्री मुख भी दिखाते मंदोदरी के मुख आता, तो पांच तत्व जड़ तत्व जल्दी जड़ वायु वाली आता, उनके दस भुजे तो बीस भुजाए दिखाते। अब बाप ने समझाया पांच स्त्री के मुख और पांच पुरुष के मुख हो गए, एक एक में पांच विकार हो गए। उनको कहते ही रामा राज्य पांच विकार रूपी माया का राज्य, ऐसे नहीं कहेंगे उनके पास बहुत माया है, माया का नशा करा हुआ। बहुत धन को माया नहीं कहा जाता, उसको माया कहा जाता है। पांच विकारों को माया कहा जाता है, धन को तो संपत्ति कहा जाता है। तुम बच्चों को संपत्ति आदि तो बहुत मिलती है, तो तुमको कोई माया थोड़ी मिलती है। इतनी संपत्ति मिलती है कि कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, क्योंकि ये पढ़ाई है ना, पढ़ाई से धन कमाते हैं, पढ़ाई में सिर्फ मांगना नहीं होता है। टीचर जो पढ़ा देंगे वो इसी वजह से पढ़ेंगे। अब जितना भी पढ़े मांग नहीं पा, परंतु इसमें पवित्रता भी चाहिए। एक एक अक्षर की वैल्यू देखो कितनी है, पद्मा पदम, और वो कौन सा अक्षर है? वो अक्षर है बाप को पहचानो और बाप को याद करो। क्या कोई ऐसे ही कह दे ये बाप है तो नहीं मानना? बाप को बुद्धि से पहचानना है और पहचान करके फिर याद करना। बाप ने अपनी पहचान खुद दी, जैसे आत्मा दिन दी है, मैं भी सुप्रीम आत्मा दिन दी हूँ, और वो अवर स्वतंत्र है, शांति का ज्ञान का पवित्रता का सागर है, तो हम एक की ही मेहनत करते हैं। और सभी का पोजीशन भी अपना अपना अलग है। ईश्वर सर्वव्यापी कहना इसको कहा जाता है, अपने चौपट चला जाए। ईश्वर को ही दुखों को जन्म लेते हैं, न सुख लेते हैं न सुख देते हैं न पुनर्जन्म लेते हैं।
कोई भी कहते हैं चौबीस अवतार में से अच्छा अवतार मत्स्य अवतार वाराह अवतार परशुराम अवतार। अब ये तो सभी फालतू बात है, भगवान आकर कोई चौबीस जन्म नहीं लेते हैं, कितने लेते हैं सिर्फ कलप में एक ही जन्म लेते हैं। अभी तुम समझते हो शास्त्रों में क्या क्या बातें हैं, तरह व्यासी मनुष्य संप्रदाय में, फिर जंगली जानवरों में, फिर पत्थर पिक्चर पिक्चर में, अब ऐसी ऐसी बातें मनुष्यों ने बैठ बनाई है, नाटक भी बनाया है कण कण में भगवान। अब जिन्होंने ये नाटक देखा होगा वो तो जानते होंगे, महावीर बच्चे जो है उनको तो बाबा कहते हैं तुम बल कहाँ भी जाओ, कहाँ भी जाओ बल बायोस्कोप में चले जाओ, सिर्फ की ऊपर जो बायोस्कोप को देखो, बाप की याद रहना चाहिए, देखो क्या तमाशा करते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो कभी को रावण ने चोरी किया है, जो भी भक्त हैं सब की चोरी हुई। अभी तुम राम राज्य की स्थापना कर रहे हो, रावण राज्य को खराब कर देते, रावण राज्य को खराब कर देते हो, राम राज्य की स्थापना करते हो, ये हद की बात है, हद की बात नहीं है। वो कहानी जो बनाई है, अभी बाप कहते हैं मैं तुमको रावण राज्य से छुड़ाता हूँ, तुम्हारी है सिंपैथी से, और ये सिम आलमाइटी अथॉरिटी है, इसके शक्ति लेने वाली सिम की सेना तुम हो, यहाँ फिर बम्बई में आर्टिफिशियल सिम सेना निकाली, अभी तुम्हारा नाम क्या रखे, उन्होंने तो अपनी सेना का नाम सिम सेना रख दिया, तुम्हारा नाम क्या रखे, तो तुम्हारा नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार के नाम, सिर्फ के तो सभी संतान सारी वर्ग की आप में उनकी संतान है, और सिर्फ से तुमको डायरेक्ट शक्ति मिलती है, तुम सिर्फ से शक्ति लेने वाले हो, जो बाबा तुमको ज्ञान सिखाते हैं जिससे तुमको इतनी बड़ी शक्ति मिल जाती, जो हाथ आसन तो तुम सारे विश्व बता देते, तुम्हारा यह योग बल की शक्ति है और उन्हों की है बाहुबल की शक्ति, और जो इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन आदि है उन्हों की है बाहुबल की शक्ति और तुम्हारी है योग बल की शक्ति, भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है, उनका तो बाहुबल है, चाहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग पीछे जिससे पैराडाइज स्थापन हुआ, कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था, परंतु वो पैराडाइज कैसे बना ये कोई नहीं जानता, तुम तो जानते हो योग बल से पैराडाइज बने, तो वो प्रवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी वो तो घरवार छोड़ करके विधवा बनाई देते हैं, बच्चों को आर्फन बनाए जाते हैं, वो कोई नई दुनिया में थोड़े जाते हैं, जंगल में चले जाते, उस समय तब प्रधान होने के कारण जंगल में चले गए, तो प्रधान थे तो जंगल में भी जाते थे, उनमें कथित रहती थी, आज तो कोई कथित नहीं, वो फॉलोअर जाकर उनको वहाँ उनको भोजन आदि पहुँचाते हैं तो कथित होती है तो जाते हैं, पहाड़ों आदि पर बहुत जाकर रहते हैं, अभी कोई नहीं रह सकते, क्यों अभी साधु सन्यासी पहाड़ों पर जंगलों में आके एकांत में क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि अधिकार तमोप्रधान बन पड़े, तो तमोप्रधान बन गए, जब सतोप्रधान थे तो रह सकते थे, अभी तो तमोप्रधान होने के कारण सभी यहाँ इधर शहरों में आकर के रूप बन गए, पहले सतोप्रधान होते हैं बाद में तमोप्रधान होते हैं, दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो पहले सतोप्रधान न हो बाद में तब प्रधान न हो, बाईस पांच की वाणी का ड्रामा अनुसार हरेक को अपना पार्ट मिला हुआ है,
सामान्य रजो और तमो पाठ बजाते ही रहते, इतनी छोटी पिंजरे कितना पाठ भरा हुआ है, इसको कहते हैं कुदरत। छोटी इतनी जिंदगी 84 जन्मों का अविनाशी पाठ बजाती है। अभी आत्मा तो तमो प्रधान हो गया, आयरन एज है, हो गई बाप तो एवर शक्तिवान बोलने नहीं दे, अभी तुम उनसे शक्ति लेते हो। और ये भी ड्रामा बना हुआ है, ऐसे नहीं कि हजारों सूर्यों से तेज हो गए, और तो जिनको भावना बैठ जाती है उस भावना से देखते हैं कि भगवान हजार सूर्यों से तेज हो गए, तो ऐसा वो देखने लग पड़ते हैं, साक्षात्कार हो जाता है, आंख लाल लाल हो जाती है, बस करो हम सहन नहीं कर सकते। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के संस्कार है, वो छोड़ दें, ये तो नॉलेज है, इतने तो पढ़ना है, बाप बाप भी है, टीचर भी है, पढ़ाए गए हैं, हमको कहते हैं तुमको तो प्रधान से तो प्रधान बनना है। भक्ति मार्ग के लिए बाप ने समझाया हियर नहीं, मनुष्य को तो पता ही नहीं है ये कितने का, क्या कितने का है? अरे भगवान बाप ने कहा इन आंखों की दुनिया में जो भी देखते हो वो सारा नहीं मिले, इन आंखों से देखते हुए देखने की प्रैक्टिस बंद कर दो, तीसरी आंख से जो देखते हो वो ही देखना, क्या देखते हो तीसरी आंख? आत्मा तीसरी आंख से दिखाई पड़ती है या इन आंखों से? तीसरी आंख से आत्मा दिखाई पड़ती है, परमात्मा बाप भी इन आंखों से तो देखने में आएगा नहीं, किसान से देखते हो, तीसरी आंख से परमात्मा बाप को भी देखते हो, नहीं तो देखने में थोड़ी आता है। मनुष्य को तो इन बातों को पता ही नहीं है कि सब बातें कैसे सुन रहा है, असल में बंदर का चित्र बना दो क्या यह में चाप में इन तीन इन पहले बंदर का चित्र बना दो भक्ति मार्ग और वो चित्र जापान से आते हैं, अभी तो मनुष्यों को बनाते हैं। बाबा ने फिर नलिनी बच्ची का चित्र बनाया, ये भक्ति मार्ग की बात है, बिल्कुल न सुन, भक्ति मार्ग का मनुष्य को वैसा देखो कितना है, भक्ति करा गया है ना, अभी उनका ज्ञान करा तो फर्क होगा, भक्ति कर्म और ज्ञान, बच्चे समझते हैं बरोबर ज्ञान से सुख होता है, क्यों रावण राज्य में है अज्ञान, भक्ति में है अज्ञान, तो क्या भक्ति मार्ग में कोई सुखी नहीं है? सुखी तो है लेकिन 100% सुखी कोई नहीं है। और ज्ञान, ज्ञान तो कहा ही जाता है सत्य को, अगर सत्य का पूरा ज्ञान हो जाए तो सत्य में ही चला जाए, भक्ति से सीधी नहीं चल सकती, हम कहने सचिव में जाते हैं फिर जो उनसे करते रहते हैं 1250 वर्ष में दो कलंक मिले, चंद्रमा का भी मिसाल है, धीरे धीरे कलाएं बढ़ती हैं चंद्रमा की रोशनी और धीरे धीरे फिर पंद्रह दिन में रोशनी घट जाती है, चंद्रमा को ग्रहण भी लगता है क्या? सूर्य को ग्रहण लगता है कि नहीं लगता? भक्ति मार्ग में जो कहते हैं सूर्य को, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण नहीं कहते, झूठी बात कहते हैं सच्ची बात कहते हैं, वास्तव में चंद्रमा को ग्रहण लगता है, सूर्य तो आपका बोला है, उसके ऊपर तो ग्रहण लगने का सवाल ही नहीं, उसके ऊपर पंचायत पढ़ ही नहीं सकती, चंद्रमा कौन है ज्ञान वाली? ब्रह्मा बाबा जो रचना है वो है चंद्रमा, रचना को ग्रहण लगता है, रचयिता बाप ज्ञान सूर्य को ग्रहण नहीं लगता, चंद्रमा की कलाएं कम हो जाती हैं, फिर जो लगला संपूर्ण हो जाता है, तो वो अल्पकाल की बात है, तो बेहद की बात
कि दुनिया में तुम सब हो, चैतन्य सितारे, धरती के सितारे हो, और तुमको पालने वाले हैं चंद्रमा और सूर्य, और धरती पर तुम्हारी पालना होती है, धरती तुम्हारी माता है। तो ये देह की बातें हैं। इस समय सारी दुनिया पर राहु का चरण लगा हुआ, ऊंच से ऊंचे हो और बृहस्पति की जगह, और नीच से नीचे है उसकी राहु की जगह। बृहस्पति कौन है और राहु कौन है कैसे पता चले? पता चले तब तो हम बचे रहे। दस धर्म के रखे भी दस है। नीच से नीच नास्तिक धर्म है भी नहीं वास्तव, अधर्म ही अधर्म, और ऊंचे से ऊंचे धर्म है सूर्यवंश। सूर्यवंश का रचयिता हुआ वृक्षपति, कार्य रचयिता बीज, वो उसकी बातों में जो आ जाए तो समझ लो बृहस्पति की दर्शन में आ गए, और नास्तिकों की बातों में आ गए तो जैसे राहु की दर्शन है। नीचे में नीचे है राहु की दर्शन, एकदम दीवारा मार देते वो बृहस्पति की दशा से हम चलते, वो बेहद की बात को जानते नहीं। अभी राहु की दशा तो सभी के ऊपर बरोबर है, जानते हो और कोई नहीं जानते। राहु की दशा से इंसल्वेंट तुम बनते हो, बृहस्पति की दशा से सॉल्वेंट बन जाते हो। भारत कितना सॉल्वेंट, एक ही भारत था, सत्य में राम राज्य पवित्र राज्य होता है, इसकी महिमा पवित्र राज्य वाली बातें गाते हैं। मैं नरुण हारे में कोई गुण नहीं, ऐसी संस्थाएं भी बनाते निर्गुण संस्था। अरे ये तो सारी दुनिया निर्गुण संस्था है, सारी दुनिया में कोई गुण नहीं रहा, एक ही बात हो रही है। बच्चे को हमेशा महात्मा कहा जाता है, तुम क्या कहते हो निर्गुण संस्था बालकों की, ये तो सारी दुनिया है जिसमें गुण नहीं है, राहु की दशा बैठी हुई है। अभी बात कहते हैं वेद आवरण के ग्रहण सूर्य ग्रहण लगता है तो क्या बोलते हैं? वेदांत सूर्य ग्रहण, उसको दान देना है। अरे ग्रहण किसके ऊपर लगा हुआ है? चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगा हुआ है। चंद्रमा के ऊपर जो सितारों का ग्रहण लगा हुआ है, उस सितारों के ग्रहण को बचाने के लिए क्या करना है? योग का दान देना है। तो उसके ऊपर जो सितारों का ग्रहण हटेगा तो बुद्धि मलिन, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। नहीं तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की आत्मा अभी क्या समझे बैठी है? गीता का भगवान कौन है? खुद अपन तो गीता का भगवान समझे बैठी है, ग्रहण लगा हुआ है। अभी बाप कहते हैं देख के सभी धर्म को छोड़ा, अपन को आत्मा देखे करो, उनको अभी वापस जाना है। पवित्र न होने के कारण कोई वापस नहीं जा सकते हैं। बाप अभी पवित्र होने की युक्ति भी बताते हैं, देह की बात को याद करो। नहीं कहते हैं बाबा हमको भूल जाते हैं, बाप कहते हैं नीचे बच्चों पति तो पावन, बाप को भूल जाएंगे तो तुम पावन कैसे बनेंगे? जरा विचार करो ये क्या कहते हो। जानवर जी कब ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप को भूल जाते हैं? तुम तो कैसे कह देते, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, तुम आए हो बेहद के बाप से बेहद का बर्तन लेने, निराकार बाप साकार में आ रहे तब तो पढ़ा लेना। अभी तुम जानते हो बाप ने किसी में प्रवेश किया है, जिन्हें में प्रवेश किया है वो दो है, बाप और दादा। बाप कौन है? राम वाली आत्मा बाप, और धरती का पहला पत्ता बड़ा भाई दादा। दोनों की आत्मा भृगुति के बीच में बैठी,
और कहाँ होंगी? ऐसे में बाप दादा तो जरूर दो आत्माएं होंगी। क्यों बाबा, और ब्रह्मा की आत्माएं है ना? तुम कल बने हो पता चलता ब्रह्मा की कुमार कुमारी है, तुमको मालूम मिल रही है, जानते हो हम भाई भाई, फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम भाई बहन बनते, ये याद पक्की होनी चाहिए। अभी बाबा देखते हैं बहन भाई से भी नाम मुक्ति कठिन हो जाती है, तो बहुतों को विकल्प आते हैं, अच्छा शरीर देख करके विकल्प आते हैं ना। अभी बाप कहते हैं अपन को आत्मा आत्मा भाई भाई, तो कुछ भी कोई विकल्प नहीं है। इसकी टोला कठिन करता है ना, उनका रूप भी ऐसा बना हुआ है, फीमेल को ब्यूटी की प्राइज मिलती है, मेल को ब्यूटी की प्राइज थोड़ी मिलती है, ऐसा कब सुन। इतनी जाति कितना हो ही नहीं करती। बाप कहते हैं तुम न स्त्री देखो न पुरुष देखो, अपन को आत्मा देखो, भाई भाई देखो। आत्माएं सभी गदस्थ हैं, एक बाप के बच्चे हैं। बाप तो जरूर चाहिए, अभी सभी का बाप एक है और सभी बाप को याद करते हैं। अभी बाप कहते हैं सत्व प्रधान बनना है तो उसकी एक ही दवाई है क्या, माँ में एकम याद करो और सबको भूल करो, जितना याद करेंगे उतनी कसम लगती जाएगी, उसी का पारा चलता जाएगा, कभी छोटी रहेगी नंबर वार को सात संसार को कभी कभी चर्चा नगर सारी दुनिया की जो भी मुल्की मात्र है आत्मा भर सबकी एक देती है, परंतु ठीक है सबकी अलग अलग हो जाती है, इससे क्या साबित होता है? आत्मा सभी की दिमती मिलती और चेहरे सभी के अलग अलग ऐसे हो जाते हैं। जैसे एक बोरा गेहूं हो, गेहूं खेत में बोया जाता है तो एक पौधे की शकल दूसरे पौधे से पूरी पूरी मिलेगी है? नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? हरेक बीज में अपने अपने संस्कार अलग अलग प्रकार के भरे हुए, ऐसे ही हर आत्मा में अपने अपने अलग अलग संस्कार भरे हुए हैं, इसलिए एक का चेहरा दूसरे से नहीं मिलता है। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र है सबके फीचर कर, फिर वही रिपीट होंगे अपने अपने समय। इतना बड़ा बेहद का ड्रामा है, सभी एक्ट्रेस है, जन्म बाई जन्म टीचर अलग अलग होते जाते हैं। वो लोग कहते हैं अनेक दुनिया है, चंद्रमा में भी दुनिया है, आगे तो वहां भी जमीन खरीदने के लिए बोलते थे। अभी चंद्रमा में जमीन खरीदने की बात बंद कर दी, क्यों? क्योंकि मनुष्य चंद्रमा पर पहुंच गया और वहां कुछ भी कोई दुनिया नहीं मिली, समझते थे चंद्रमा में देवताएं रहते। वास्तव में मनुष्यों का अशुद्ध घमंड है, अशुद्ध घमंड वाले विनाश को प्राप्त होते हैं। तुम शुद्ध घमंड वाले बाप से बढ़ता देते, आत्मा सेकंड में पार हो जाती है, आत्मा से तीखा और कोई नहीं होता, और आखिर भी आत्मा से ज्यादा तीखा नहीं होता। दोनों के विमान आए तो उस पार जा ही नहीं सकते, वो तो नुकसान ही कर देंगे। एक स्टार गिर जाए तो कितना नुकसान हो जाए, ये तुम आगे चलकर भी देखेंगे। जो चीज दिव्य दृष्टि से देखी जाती है वो तो प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। देवताएं सभी लोगों से भगवान की गर्दी में कि हमको गंधर्व में जाना है, ये ज्ञान अभी तुमको है, वहां तो मालूम हो जाए तो बात सारी बुद्धि ही सारी चली जाए। बाप बच्चों को तो कहते हैं तुम्हारे दुख के बहुत टाइम, बहुत थोड़े दिन, बहुत थोड़ा टाइम नहीं है, बहुत थोड़े दिन है। पिछाड़ी में थोड़ा समय सुकून के पहाड़ गिरते हैं, क्या बात है, दुनिया कैसी आने वाली है, सुकून के पहाड़ गिरेंगे, परंतु बहुत लंबे समय तक ये सीन नहीं चलेगा। रक्त की नदियां बहती है पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में हुआ था ना 47 साल,
खून की नदियाँ बहती तो लंबे समय तक बहती है थोड़े समय हाय हाय होती है, फिर भी ये हाय हाय होनी है जैसे कारण नई दुनिया बनेगी तो पुरानी दुनिया वाले हाय हाय करेंगे ठीक है, फिर जैसे कारण हाहाकार वाले कलयुग भी और जय जयकार वाले सतयुग में होंगे। तो बच्चे अभी रचयिता और रचना के हाथ में देश को जानते हो, ये भी समझ तो दैनिक होना चाहिए, खान पान की भी खबरदारी चाहिए। कहा जाता है सिगरेट छोड़ो तो कैसे हम बीमार हो जाते ऐसा होता है जीवन पीता और उसको मना कर दिया जाए चाय बनती हो बीड़ी बनती हो तो बीमार हो जाए हो जाते हैं। जब उनके सर में दर्द होने लगता है तो उनको बाहर चाय पी लो, एक बार पी लो फिर मत पीना। फिर कहा जाता है इसकी तकदीर नहीं है, ऐसा बाप इसमें क्या करेंगे, बाप इसके सभी को तस्वीरें ऐसी बताते हैं फिर जिसकी तकदीर बाप तो सभी को समझाते हैं तकदीर में होगा बनी होगी। ये सभी समझने की बातें हैं, जिसको जो सर्विस व धंधा आदि है वो भल करे, बाप मना नहीं करते। कोई भी धंधा जिसका है वो अपना धंधा करे, बाप मना नहीं करते। अच्छा किसी का शराब का धंधा है तो एक शराब का धंधा करने के लिए मना किया, बाकी और कोई धंधा करने के लिए मना, कोई मछली बेचता हो तो कोई हर्जा नहीं, क्या अंडे बेचता हो तो भी कोई हर्जा नहीं, अपना धंधा बल करो परंतु बाप को याद। भक्ति मार्ग में तो देखो अनेकों को याद करते, जो आया उनको याद, अभी बाप कहते हैं इसको याद करो बेटे घर में ना सोगे, शरीर को याद नहीं करो तो भूत पूजा हो जाती, भूत की याद आती है ना। पांच तत्वों की पूजा करते हैं, पानी की पूजा, मछलियों की पूजा, चीटियों की पूजा, चीटियाँ खिलाते हैं ना, कहेंगे इन चीटियों को भी दो तो हमारी अच्छी पालना होगी, उनकी आशीर्वाद हमको मिल जाएगी। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार की याद से बताते हैं, बाप को आते हैं यहाँ के लिए रथ पर सवार होकर आते हैं, ये रथ है ना, इन्होंने फिर घोड़े गाड़ी का रथ बना दिया है, कम से कम बाबा को मोटर तो होनी चाहिए, क्या ये बहुत ही समझने की बात है कि वह बाप के और कोई क्वालिफिकेशन बदल नहीं सकता, वो तो अपन को असुर नहीं समझते हैं तो देवता बनने का पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते। बाप कहते हैं तुम पूज्य देवता थे तो बड़े जाएंगे, एम ऑब्जेक्ट के चित्र नहीं है, यही चित्र एम ऑब्जेक्ट के कहा जाता है लक्ष्मी नारायण, ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। ऐसा कोई भी सत्संग नहीं जिसको एम ऑब्जेक्ट दिखाते हो, कुछ भी समझ नहीं, ये भी बच्चों को समझाया है तो पढ़ाने वाली ब्राह्मणियों से भी उसको तो पा सकते हो, या बहुत ब्राह्मणियाँ ऐसी हैं जो सत्संग में जाके टीचर बनेंगी लेकिन राजा राजा नहीं बनेंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पढ़ाई तो बहुत अच्छी पढ़ाती है लेकिन चरण चरण बहुत नीची। तो बाप कहते हैं बच्चे तो साथ में हाथ फेर मत हो जाओ, ऐसे मत समझो हम देरी से आए हैं, हम टीचर के आगे कैसे जाएंगे। बाप कहते हैं टीचर से भी तुम ऊंच पद पा सकते हो, तुम भी टीचर बन सकते हो। अच्छा अभी बन गए कि नहीं टीचर एडवांस में आगे, जो बेसिक में टीचर थे उन बेसिक वालों को पढ़ाई पढ़ा सकते हो नहीं पढ़ा सकते हैं, पढ़ा सकते नहीं पढ़ा सकते, अगर वो सुनना चाहें तो उनको बता सकते कि नहीं बता सकते। तो देखो टीचर स्टूडेंट हो गए और स्टूडेंट तो तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। अच्छा रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद कर।